तो आपका स्वागत है नए वीडियो में। सबसे बात कर लेते हैं पंजाब एफसी के बारे में। तो पंजाब एफसी ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया फिलिप इवानोविच का। एंड फिलिप इवानोविच एक 31 ईयर ओल्ड सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है एंड ये डील लाइक कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम लोग लाइक सी पंजाब एफसी धीरे धीरे काफी अच्छा प्रिपेयर नजर आ रहे इस साल के लिए एंड देख के भी काफी अच्छा लग रहा है। एंड अगर हम लोग फिलिप इवानोविच का बात कर ले तो ये कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, काफी ज्यादा आप इनको हाई प्रोफाइल डिफेंसिव मिडफील्डर मतलब सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर कंसिडर कर सकते हो। सर्बियन प्लेयर है एंड इनका करंट मार्केट वैल्यू है 4 करोड़, जो कि बहुत होता है एज अ डिफेंडर, फॉरेन डिफेंडर 4 करोड़ मार्केट वैल्यू रखना बहुत एक बड़ा बात है। एंड इनका पिछला क्लब था, सर्बिया का ही क्लब था, रेडनिकी 1923। एंड इससे पहले भी इन्होंने ज्यादातर टाइम सर्बिया में ही खेला है एंड एक साल अजरबैजान और ट्यूनिशिया में खेला है, ट्यूनिशिया के क्लब्स में खेला है। एंड करेंटली अपने करियर के पीक में, जो कि सबसे ज्यादा बेहतरीन बात है कि एक काफी पीक इन फॉर्म प्लेयर का साइनिंग कंप्लीट किया है पंजाब एफसी ने। एंड डिफेंसिव स्टेबिलिटी इससे डेफिनेटली इनका काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। लास्ट सीजन ने टोटल 32 मैचेस खेला था एंड ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हो कि 32 मैचेस में से 26 मैचेस में ये स्टार्टिंग 11 में थे। एंड लाइक जो कि मेन इनका लीग का मैच था उसमें 26 मैचेस में ही ये स्टार्टिंग 11 में थे और 4 मैचेस तो सस्पेंडेड थे, तो वो अलग बात है। तो नो डाउट काफी ज्यादा बढ़िया साइनिंग में बोलूंगा पंजाब के लिए। देखते कि इनका परफॉर्मेंस पंजाब में आने वाले सीजन में कैसा रहता है। नेक्स्ट इधर वाला है बैंगलोर की तरफ से। तो बैंगलोर ने भी 2 प्लेयर्स का साइनिंग कंप्लीट कर लिया है। पहला है जेसल कार्नियरो, जिनके साथ बैंगलोर ने 2 साल का डील साइन किया है। एंड दूसरे प्लेयर है शंकर संपिनजिराज, एंड बेसिकली शंकर आप एंड अगर हम लोग देखें तो जेसल को तो मेन टीम के हिसाब से साइन किया गया कि मेन टीम में उनको अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो नो डाउट इनको मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वही शंकर का बात कर ले तो इनको मोस्टली क्या इनको बैकअप के लिए रखा गया, इनको एज अ रिजर्व टीम में रखा जाएगा। मिडफील्डर है, 28 ईयर्स एज इनका। इससे पहले ये पंजाब एफसी में थे एंड इससे पहले चेन्नई में थे। तो रिसेंट फॉर्म ये नहीं बोलूंगी बहुत एक्स्ट्रॉडिनरी, ठीक ठाक फॉर्म है इनका। एंड मोस्टली इनको पंजाब में भी ऐसा नहीं कि हर मैच में मौका मिले, इनको मोस्टली एज अ बैकअप ही खिलाया गया, तो यहाँ पे भी इनको एज अ बैकअप ही यूटिलाइज किया जाएगा बैंगलोर में। एंड जैसल को तो मेन मैच में मौका मिलने ही वाला है। सो देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है बैंगलोर में आने वाले सीजन में। नेक्स्ट अवर एफसी गोवा की तरफ से, बहुत लोग पूछते कि फारिस आर्नोट को क्या हुआ, क्या वो के लाइक जो प्री सीजन उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अभी तक तो फारिस आर्नोट ने एफसी गोवा का प्री सीजन ज्वाइन नहीं किया, जो कि थोड़ा सा तो खैर चिंता का विषय है गोवा के मैनेजमेंट के लिए भी। एंड बहुत लोग का डाउट है कि क्या फारिस आर्नोट लाइक गोवा में रहने वाले या नहीं, या फिर क्या वो ईस्ट बंगाल में जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली फारिस आर्नोट का चांस अभी के लिए तो ये नजर आ रहा है कि वो गोवा में चांसेस थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसी ऑलरेडी ओडायर इंडिया है। एंड एक जो बात है कि फारिस आर्नोट के साथ गोवा का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब 2025 तक फारिस आर्नोट गोवा में ही रहने वाले, तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट तो है फारिस आर्नोट के साथ गोवा का। सो हो सकता है कि इनको लोन आउट कर दिया जाए, जो कि गोवा प्लान कर भी रहे कि वो लोग प्लेयर्स को लोन आउट करेंगे जिनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे अल्वारो वास्केस हो गया। तो फारिस आर्नोट को भी ईस्ट बंगाल में लोन आउट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अब क्या करेगा मैनेजमेंट, ये तो मैनेजमेंट को डिपेंड करता है कि ओडायन इंडिया है, संजय छिंगा ने एज अ बैकअप डिफेंडर क्या फारिस आर्नोट को रखना सही होगा या नहीं। सो ये पूरा मैनेजमेंट का कॉल है। लेकिन अभी तक फारिस आर्नोट ने प्री सीजन ज्वाइन नहीं किया है। एंड इसको लेकर आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियंस है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करो दोस्तों के बीच में। एंड अगर अभी चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन दबाना, ताकि मैं जब भी कंटेंट अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। एंड मैं अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।